नहीं तो ये आप जो यहाँ है इनको एडमिट करा के तो आप स्वयं स्वयं उठा के स्वयं डाल रहे हैं उस पर लेटा रहे, कोई आपकी मदद में स्टाफ का आया नहीं है, कोई नहीं है। यूपी में भले ही योगी सरकार के मंत्री इन दिनों अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की कोशिश में जुटे हैं, मगर सरकार की तमाम कोशिशों पर अस्पताल के डॉक्टर पलीता लगा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की हैं, जहां टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। बता दें कि बीते दिनों में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जिले अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले चुके हैं, इसके बावजूद कुछ डॉक्टर की लापरवाही खत्म नहीं हुई। दो दिन के भीतर टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूसरी बार डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। तो ये आप जो यहाँ है इनको एडमिट करा के तो आप स्वयं स्वयं उठा के स्वयं डाल रहे हैं उस पर लेटा रहे, कोई आपकी मदद में स्टाफ का आया नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ से आया कोई डॉक्टर इलाज के लिए पहुंचा रहा है? कोई इलाज के लिए ले पहुंचा हुआ। आपका इंजेक्शन लिए कहते बाहर से लेकिन नहीं बाहर से लेके आने लिए नहीं है बाहर ले गए। दरअसल अस्पताल में आधा घंटे पहले एक मरीज को भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती होने के आधे घंटे बाद तक उस मरीज को देखने कोई भी डॉक्टर उसके पास नहीं पहुंचा। सभी डॉक्टर एडिशनल सीएमओ के खिदमतदारी में लगे रहे, नतीजा ये हुआ कि फर्श पर पड़े पड़े मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में मरीज को भर्ती कराया गया था, लेकिन आधे घंटे तक कोई भी डॉक्टर यहां देखने नहीं आया, जिससे मरीज के शरीर का काफी खून निकल गया और उसकी मौत हो गई। ये कितनी देर से आप चले गए थे जी सर? डॉक्टर साहब कल तो उससे पहले हम लोग आए एम्बुलेंस से। नहीं ये जमीन में कितनी देर से पड़े हैं? ये जमीन में आधा घंटा इनको पड़े, आधा घंटे से पड़े। डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी हमने स्टूल इंजेक्शन दिया, वो पता नहीं कहाँ पता चलेगा। जितनी दवा लेके सब दवा लेकर के आए, पता नहीं कहाँ बाहर से लेकर के आए उसको दिया। पेशेंट जैसे जमीन में पड़ा हुआ है। सुनिए लिवर सिरोसिस का घर के इस पेशेंट को तुरंत के तुरंत हमने रेफर किया है, और जब ये ब्लीडिंग कर रहा था तो हमारे पास विटामिन ए ढूंढ रहे थे इंजेक्शन इमरजेंसी में ढूंढने के लिए। हम अंदर गए थे और इनसे कहा था कि इनको ऊपर लिटा दिया जाए लोग मिलके, लेकिन सब गायब हो गए सब। नहीं लेकिन आपका स्टाफ फिर क्या कर रहा था? ये अभी आए हैं, बहुत देर नहीं हुआ। नहीं स्टाफ सर क्या कर रहा है आपका? जैसे मान लीजिए स्टाफ सर उसमें लगा हुआ है अलग अलग उसमें। नहीं जैसे स्टाफ आपने बताया कि परिजन इसको उस पर लिटा देते, फिर स्टाफ क्या करता है आपके यहाँ अस्पताल में? स्टाफ को ही वो लगाया जाएगा कि ऊपर करके लिटाए। उसके बाद भी ये आधा घंटे से बता रहे परिजन की जमीन में लेटा हुआ है। ये बताइए अभी ये भी बता रहे हैं आधा घंटे के परिजन। वहीं जब इस बारे में सीएचसी में मौजूद एडिशनल सीएमओ से मीडिया कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार कैमरे से बचते हुए नजर आए। नहीं सर जैसे मौके पर आप आए नहीं जैसे आए आपकी मौजूदगी में एक आदमी तड़प के मर जाता है हॉस्पिटल के बारे में हॉस्पिटल के अंदर। नहीं नहीं कुछ भी था, लेकिन सर वो जमीन में कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। बताइए इंसान को एकदम जानवर बना लिया। आज के पेपर में है उस प्रकरण में आप आए हुए यहाँ पे उसकी जाँच के लिए। आपके आने के बावजूद जो यहाँ पे व्यवस्था आपको देखने मिल रही आप पहले नहीं उसके बाद वो उसकी मौत हुई है। आपकी मौजूद में उसकी मौत हुई है सामने आपके अधीक्षक हैं आप दोनों में से और आप मौके पर गए हैं। बता दीजिए वो खबर हम लोग अपना चलाएंगे। मैं आपको खबर चलाने से मना नहीं कर रहा जी जी। जो कमियां आपने बताई हैं वो मैं देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कोशिश करता हूँ। प्रश्न ये है जब आप जिले से अधिकारी हैं आप आए हुए आपकी जो मौजूदगी में इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है, अगर किसी तरह का दबाव ना होता तो यहाँ पे क्या सुविधाएं मिलती है? मेरी बात सुनिए। नहीं सर मौके पे जैसे आप गए वो आदमी जो आपने व्यवस्था देखी आप इससे संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं तो जैसे यो जो आदमी आपके उसके परिजन कह रहे हैं पूरी वीडियो है उनके परिजन उसको उठा के बेड पे लिटा रहे ये होना चाहिए? और यहाँ स्टाफ के लोग खड़े देख रहे हैं तमाशा जैसा मुझे बताया गया है। माननीय मंत्री जिले के दौरे कर रहे हैं, जिले के
जितने दौरे उन्होंने किए हैं उसके बाद ये दशा है। अगर आप ना आए होते तो यहाँ क्या सुविधा होती है? 2 बजे बंद हो जाता है सर, और मंडी लगती है। नहीं नहीं, और सारे पर्चे बाहर से लिखे जाते हैं। और आपके मौजूदगी में सर मौत हुई, आप यहाँ मौके बैठे रहे, उसके बाद मौत हुई है। व्यवस्था सुधरेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कल से या आज शाम से ही व्यवस्था सुधरेगी। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्ट डॉक्टरों की मनमानी चरम पर है। पिछले काफी समय से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर लापरवाही और कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर अपने कमीशन के चलते अस्पताल के बाहर से दवाइयाँ मंगवाते हैं। सरकारी अस्पताल में ऐसी लापरवाही बार बार आने के बाद ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक लाख कोशिश कर लें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कुछ भ्रष्ट और लापरवाह डॉक्टर सुधरने वाले नहीं हैं। जरूरी है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पंजाब केसरी TV के लिए बाराबंकी से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।